सामने वाला भाई मिरर है जो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो शायद इसमें बबल्स भी बन रहे होंगे, यहाँ पे निशान आ रखे होंगे, क्योंकि ये मिरर है ना, मिरर ऐसे ही है भाई, ये रिफ्लेक्शन देते हैं बढ़िया। यहाँ पे आने के बाद ना ऐसा लगता है आप नेचर से ना जुड़े हुए, और आपका मतलब कैसा भी मूड हो यहाँ पे आने के बाद फॉर श्योर है कि आपका ठीक हो जाएगा। ये एक और वो है भाई, स्टेयर्स आ गई, मैं आपको दिखा रहा था, चलो बने रहो ब्लॉग में साथ, पूरे सीरीज देखना भाई आप इसकी। ये भाई पार्किंग है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई। रात को भाई मैंने लॉक लगा दिया था गेट पे, ये कोई बाहर का बंदा ना है यहाँ पे भाई। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है। ये भाई मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है, बनाई है मैंने एग भुजी विद पनीर, ब्रेड है भाई साथ में कॉफ़ी है। देखो भाई एक टाइगर जैसा ही दोस्त है हमारा यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं भाई, एक नंबर का नज़ारा बना हुआ भाई। मौसम है भाई, भाई एक नंबर का मौसम हो रहा है, मंसूरी आओ घूम लो, यो टाइम है, एक जिंदगी मिलनी है तो घूमना चाहिए। सही बात कहा भाई, अभी हम जाएंगे भाई भट्टा पोल पे जाओ घूमने भाई ना, पूरा आनंद लाएंगे, सही एंजॉय कर रहे हैं, जीत आड़े सा कर रहा है, काड़े खाट गाल ना राड़े सोजा, और फिर जावा 2:30-3 बजे से उठकर आराम तक फ्रेश होके, कोई नहीं रात में क्यों 4 बजे सो रहा भाई, 4 बजे सोए पीछे दिन में नींद आवे, दिन में नींद आवे पूरा दिन खराब हो जाए भाई, दिन खराब हो जाए, वो बीटी सी लाज नहीं हो जाए, आप पता नहीं क्यों हो गया, सुनना ना दिए इन्हें, बोला उठ ले, अरे उठ ले उठ ले, झूठा रहे इससे बड़ा झूठा धरती पे कोई होगा। सेम टू यू, जस्ट जो ये मेरे बारे में बोल रहा है इसका भी। भाई आई एम रेडी, मैं जा रहा हूँ भट्टा फॉल, देखो भाई अपना बोम भाई का प्रमोशन, बोम भाई का बैग है साथ में, होम न्यूट्रिशन रोहतक, ये देखो भाई बढ़िया है नंबर, बढ़िया हवा चल रही है भाई अभी तो, ये देखो भाई वहाँ पे भाई नहाना है भट्टा फॉल में, बढ़िया नज़ारे, बने रहो एनिकल व्लॉग्स के साथ। भाई अमित भी रेडी हो गया है, अभी जा रहे हैं भाई भट्टा फॉल, जय बोलेगी भाई, अभी हम भट्टा फॉल जाने लग रहे हैं भाई, धन्यवाद भाई, हाथ का चोट लगी गाइस, भाई इसका हाथ कट गया, के रहा भाई के कर रहा था के नहीं कर रहा था, देखो कोई बात नहीं ब्रो, बिल्कुल बिल्कुल ब्रो बिल्कुल। तो भाई अभी भट्टा फॉल जाने के लिए निकल रहे हैं फार्म से, ये मैं गाड़ी पैक करने लग रहा हूँ भाई, फिर से टाइगर आ गया है यहाँ पे, टाइगर नहीं है भाई बट बहुत प्यारा डॉग है भाई, ब्रीड को गद्दी ब्रीड बोलते हैं भाई। भट्टा फॉल जाने के दो रास्ते हैं भाई, एक तो आप अपनी गाड़ी से जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, ठीक है, दूसरा जो रास्ता है वो है रोप वे के थ्रू, उड़न खटोला जिसको बोलते हैं, आप उड़न खटोले से भी जा सकते हो नीचे, जिनको भी चढ़ने में दिक्कत है या गाड़ी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी सी पुअर हैं तो वो रोप वे को ईजिली चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से वो जा सकते हैं। बाकी भाई यहाँ का रास्ता जो है वो बहुत टफ है, अगर किसी भाई को गाड़ी कम चलानी आती हो तो यहाँ पर रिस्क ना लें, क्योंकि एक तरफ यूँ लगा लो भाई टायर थोड़ा सा भी इधर गया तो खाई में जाएगा, कोई भी चॉइस नहीं होगी उसके पास। मैं तो यही बोलूँगा भाई पहाड़ों में आओ तो बहुत सेफली ड्राइव करो अपनी गाड़ी को, अपने आँख कान दोनों चीज़ें खुली रखो और ध्यान शीशों पे रखो और अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखो, ताकि अपनी सेफ्टी में दूसरों की सेफ्टी है भाई।
देखो भाई ये रास्ता भाई सारा वो अपना फार्म है भाई ऊपर पहुंच गया अपना मिठा फल गाइस देख लो खालू पर ऊपर का व्यू मैं दिखाऊंगा गड्डी में तो स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा एक और टाइगर मिल गया हमें देखो भाव देखो भाई कितना तेज है यहाँ पर ये देखो ऊपर हो रही है जिप लाइन यहाँ पे भाई नहाने के लिए ऊपर पानी का प्रेशर आ रहा है सही बढ़िया है एक नंबर तने वायरल करूंगा भाई ने अब बेटे है मान गए यहाँ पे मार्केट सी भी है भाई एक ये देखो ये यहाँ पे भाई ये रास्ता जाने का शीशा मुझे आदर